सोसाइटी और चिटफंड कंपनी की जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ के साथ हमारी बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारे द्वारा बनाई गई हर एक लेटेस्ट वीडियो पहुंचे सबसे पहले आपके पास। तो चलिए दोस्तों चलते हैं न्यूज की ओर कि आज की बड़ी खबर क्या है। सहारा इंडिया से जावरा रतलाम में 120 निवेशकों का हुआ 5 करोड़ का भुगतान। सहारा इंडिया भुगतान न्यूज, इसे न्यूज दुनिया पीवीटी लिमिटेड ने प्रकाशित किया है। डेस्क रिपोर्ट रतलाम। सहारा समूह से प्रतारित रतलाम जिले के जावरा तहसील में निवेशकों के लिए आज एक बड़ी खुशखबरी का दिन है, जहां पर ऑल इंडिया संघर्ष मोर्चा के बैनर तले लगातार जावरा में निवेशकों की भुगतान की मांग को ऑल इंडिया संघर्ष मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह सोलंकी उठा रहे थे, उसी का ये नतीजा है कि आज सहारा के करीब 120 पीड़ित निवेशकों को उनका पैसा सहारा से वापस मिला है। जानकारी के अनुसार सहारा ने करीब 5 करोड़ रुपए का फंड कानूनी कार्यवाही के बाद जारी किया था, जिसके बाद आज निवेशकों को उनकी फंसी रकम वापस मिल पाई है। हम जिले के जावरा तहसील के लोग लगातार अपने सहारा में फंसे पैसे के लिए परेशान थे, जिसके बाद ऑल इंडिया संघर्ष मोर्चा के बैनर तले लगातार उनके पैसे के लिए मांग की जा रही थी। अब करीब 120 करोड़ निवेशकों को कानूनी कार्रवाई के तहत उनका पैसा वापस मिला है। आगे भी इसी प्रकार निवेशकों की बात को पटल पर रखते रहेंगे, जिससे पूरे देश के सहारा पीड़ित निवेशकों का भुगतान हो सके। वीरेंद्र सिंह सोलंकी। सोसाइटी और चिटफंड कंपनी की जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ के साथ हमारी बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारे द्वारा बनाई गई हर एक लेटेस्ट वीडियो पहुंचे सबसे पहले आपके पास। तो चलिए दोस्तों चलते हैं न्यूज की ओर कि आज की बड़ी खबर क्या है।